इसलिए वो धर्म हुआ, कृष्ण के आदेश का पालन किया, जो विराट है इसलिए उनका आचरण हुआ, इसलिए यतो धर्मः ततो जयः। हमारे चाणक्य के जीवन में अगर देखो चाणक्य के आचरण, तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है इतने बड़े पंडित ने और कैसे ऐसे आचरण किए। लेकिन चाणक्य के विषय में अभी हम लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के विषय में किसी ने जब हमको बताया और हमको सुन के प्रसन्नता हुई, तो हमको चाणक्य याद आया। एक विदेशी आया जो इतने बड़े महान महान राज्य का प्रधान आमात्य है, उससे मिलने गया तो उसका आवास कोई बहुत बड़ा महल नहीं, वो एक झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी के ऊपर कुशा रखे हैं सूखने के लिए, संविधाएं रखी हुई है, एक पत्थर रखा हुआ है और उसका बिछौना एक चटाई का है। जब राज्य में जाता है तो राज्य का पटका धारण करता है, वस्तुतः अपनी कुटिया में रहता है और इसलिए वो इतना सफल प्रधानमंत्री। जो त्यागी नहीं है वो फिर सबका प्रधान नहीं, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, त्याग की पराकाष्ठा है। और यही बात कहकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। परम पूज्य वामदेव जी महाराज का हम लोगों ने आज स्मरण किया कि हमारे लिए कौन किस मजहब का है ये मुख्य नहीं है, जो राष्ट्र का है वो हमारा है। हमारे श्री चाणक्य महोदय ने ये करके दिया, उनका कट्टर शत्रु राक्षस, लेकिन उसमें योग्यता है राष्ट्र संचालन की, वो राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र नायक के प्रति स्वामी भक्त है, ये उसका इतना बड़ा गुण है, राज संचालन की उसमें दक्षता है। इन गुणों को देख करके और नाना प्रकार के कई बार कपट के आचरण करके, हम उनको कपट इसलिए नहीं करेंगे कि वो राष्ट्र के हित में हुए, और किसी तरह अपने कट्टर शत्रु के हाथ में भी अपनी प्रधान आमात्य की सत्ता देके, और तब निश्चिंत हुआ चंद्रगुप्त अब तुम सुरक्षित हुए। तो जो इस तरह का त्यागी व्यक्ति होता है उसी के हाथ में राष्ट्र सुरक्षित होता है, परंपरा सुरक्षित होती है। हमको अति प्रसन्नता है कि ऐसे आचार्यों को उत्पन्न करने के लिए ये आचार्य कुल की आज स्थापना हुई है। हम इसकी अनंत अनंत सफलता के लिए प्रभु रमण बिहारी के चरणों में और समग्र महापुरुषों के चरणों में अनंत अनंत मंगल कामनाएं करते हैं। हमको कुछ एक बातें, यद्यपि हम जानते हैं बहुत देर हो गई है, लेकिन जब एक हमको कुछ बातें नरेंद्र भाई के शहर के उत्पन्न, उसी साल उत्पन्न, उसी तो उनसे भी पता चले, कुछ मुनि जी ने भी बताया कि किस प्रकार एक जूठे कप धोने वाला है। वाह, तो जूठे कप तो माय डियर अभी भी धोए जा रहे हैं, थोड़ा रूप बदल गया है, काम तो अभी धंधा तो तुम्हारा वही है जूठे कप धोने का, अब उसका स्वरूप बदल गया है। आप इसी तरह से सबके झूठे कप धोते रहो और सबको सुच्चे कप पकड़ाते रहो, इसमें अमृत का तुम पान करो, हम तुम्हारे लिए झूठे कप धोने के लिए प्रस्तुत हैं। इस तरह जो राष्ट्र को अपना इष्ट मानेगा, जो धर्म को अपना इष्ट मानेगा, वही वस्तुतः सत्ता का अधिकारी है। जहां ये लक्षण घटते हो वहां आप देख लें। बापू ने बहुत बढ़िया ढंग से बात कही और यही बात भाई श्री ने भी अद्भुत ढंग से कही। अब सत्ता चुने कि कौन आकर के उसकी वरमाला ग्रहण करेगा, और हम भी उस अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। राष्ट्रभक्त धर्म भक्त अवश्य राष्ट्र की सेवा के लिए, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी महाराज श्री ने तो वरमाला क्या विजयमाला
महाराज श्री ने तो विजय माला के लिए प्रार्थना की। एक बार सब बोलेंगे हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा के बोलिए, ऐसे नहीं, बहुत देर हो गई। भारत माता की, भारत माता की। अभी उठने का वक्त थोड़ी देर में आने वाला है, अभी अब हम